हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश मीडियम अकाउंट एग्जाम्पल आपको फाइव देना है इसका। एग्जाम्पल देना है स्टूडेंट अकाउंट ए बी एन सी आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 2:3:1। ए और बी की पार्टनर है, उनका रेशो आपको दे रखा है 3:2:1 विद कैपिटल ऑफ 50,000 30,000 एंड 20,000। द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइडेड फॉर क्रिएटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एन। आपको कैपिटल पर इंटरेस्ट शो करना है 6%। सी इज इंटायर टू ए सैलरी आप ₹5,000 सी को सैलरी देना पर एन, पर एन हर साल देना है 5,000 से। द पार्टनर्स विड्रो है 6,000, 5,000 and 6,000 रिस्पेक्टिवली। ड्यूरिंग द ईयर बी विड्रो गुड्स वर्थ ₹2,000 विच वॉज नॉट इंटायर इन द बुक्स। मतलब बी ने गुड्स विड्रो किया हुआ है 2,000 का और उसकी बुक में कोई लेखा नहीं किया गया था। द ट्रेडिंग प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इन टू अकाउंट इंटरेस्ट सैलरी एंड गुड्स अमाउंटेड टू 6,000। मतलब कि प्रॉफिट इंटरेस्ट सैलरी के बाद में आपको अमाउंट दे रखे 6,000 रुपीज या आपका प्रॉफिट है फॉर द ईयर 2017। प्रीपेयर प्रॉफिट एंड लॉस सेपरेशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ठीक, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेटिंग है प्रॉफिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एक्रोजन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एक्रोजन अकाउंट कब का बनाया जाता है? फॉर द ईयर एंडिंग 31 December 2017। डेबिट साइड पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट साइड आपकी सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एक्रोसर अकाउंट में बैलेंस शो करते हैं, आपका जो प्रॉफिट दे रखा है उसे शो करते हैं। और यहाँ पर आपको प्रॉफिट दे रखा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट दे रखा आपको 60,000। एक बार नेट प्रॉफिट बाय नेट प्रॉफिट 60,000 रुपीज नेट प्रॉफिट दे रखा है। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइव लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइव, बट यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइव नहीं है, लेकिन बी ने विड्रॉ किया है गुड्स ₹2,000। यहाँ बी ने गुड्स विड्रॉ किया है, लेकिन बाय बाय बी एस गुड्स ब्रेकेट में लिखेंगे विड्रो 2,000 विड्रो किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब क्वेश्चन को देखते हैं कि आपको कैपिटल पर 6% इंटरेस्ट लगाना है ना, लेकिन टू
ये आपके एक्सपेंसेस होते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%। थ्री पार्टनर्स दे रही है आपको, एबीसी पार्टनर है, ए की कैपिटल आपको दे रही है 50,000 इंटू 6/100। बी की कैपिटल दे रही है आपको 30,000 रुपीज इंटू 6/100। सी की कैपिटल आपको दे रही है 20,000 इंटू 6/100। तीनों में इंटरेस्ट निकालते हैं यहाँ पे, 20 से 20 कैंसिल करते हैं यहाँ पे, 500 इंटू 6 बचा आपके पास 0,0,30। 3,000 रुपीस ए का इंटरेस्ट बना, इसी प्रकार 10 से 10 कैंसिल किया, 300 इंटू 6 है आपके पास 0,0,1,800। बी का इंटरेस्ट है, इसी प्रकार सी का 10 से 10 कैंसिल किया, 10 से 10 कैंसिल किया, यहाँ पर 200 इंटू 6 है 0,0,12। ए बी सी तीनों में इंटरेस्ट है, ए का इंटरेस्ट 3,000, बी का इंटरेस्ट 1,800 रुपीस, 1,200। तीनों को ऐड करेंगे 0,0,6,000 इंटरेस्ट हुआ। उसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं। सी इज इंटाइल टू सैलरी आप रुपीस 5,000 पर एन, आपको सी को सैलरी देना है, लेकिन टू सैलरी आप सी टू सैलरी टू सैलरी सी ब्रैकेट में सी डाल दिया, कितनी देना आपको 5,000 सैलरी हो गई। आगे आपको दे रखा था पार्टनर से विड्रॉ 6,000, 5,000 and 6,000 रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द ईयर, यहाँ पर ड्राइंग से दे रखी आपको, इसके अलावा कुछ नहीं, ड्राइंग यहाँ पर नहीं लेते, ड्राइंग पार्टनर स्टेटमेंट आपको नहीं लेते, अगर इंटरेस्ट में ड्राइंग होगा तो आपको क्रेडिट शो करना होगा। दोनों तरफ टोटल मिल जाएंगे 60,000 + 2,000 = 62,000 आपका क्रेडिट तरफ का बैलेंस बढ़ा है 62,000, क्रेडिट साइड का बैलेंस आपके पास में, आपका डेबिट साइड का बैलेंस आपके पास में 6,500, तो 6,500 11,000 क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल माइनस करेंगे 51,000 रुपीज आपका बैलेंस है, यहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है टू पार्टनर्स के लिए, लगाओ टू पार्टनर्स कैपिटल अमाउंट, थ्री पार्टनर्स यहाँ पर ए बी एंड सी, उनके रेशो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उनका रेशो दे रखा आपको 3:2:1 51,000 × 3/6 51,000 2/6 और 50,000 × 1/6 ये दे रखा आपको। सबसे पहले टू टाइम कटेगा, टू से डिवाइड कर देते हैं, टू से डिवाइड किया उसको, थ्री को टू से टू टाइम डिवाइड किया, 51,000 को से डिवाइड किया फोर फाइव वन बचा से जीरो लिया 5,000 500 रुपीस ए को मिले, इसी प्रकार 51 में टू से किया थ्री टाइम 51,000 को थ्री से
दिया, थ्री टू यहां पर हो गया सेवन, बस ये भूल गया। चलो 17,000 रुपये किसको मिलेंगे, बी को, लड़के का मतलब सी से डिवाइड किया सी को, जीरो आपका प्रॉफिट एंड लॉस एक्टर से अकाउंट होगा। इसके बाद आपको पार्टनर्स के एक्टर अकाउंट कराना है, इसके बाद आपको पार्टनर्स के एक्टर अकाउंट बनाना है। बट क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन अकाउंट पार्टनर्स के एक्टर अकाउंट एंड पार्टनर्स करेंट अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है पहले, उसके बाद पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाना है। ये फिजिकल मेथड का है, फिजिकल मेथड से सबसे पहले क्या बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स है वन टू थ्री, पर्टिकुलर वन टू थ्री, तो डेबिट साइड है, रियल साइड पर्टिकुलर ए बी एंड सी, पर्टिकुलर ए एंड सी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, तो पार्टनर्स की कैपिटल लेते हैं या एडिशनल कैपिटल लेते हैं वो लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल कितनी दे रखी है आपको, ए बी सी की पार्ट कैपिटल दे रखी है आपको 50,000, 30,000 and 20,000, क्योंकि कैपिटल है कैपिटल अच्छा बैलेंस का आपको करते हैं क्रेडिट साइड में, एंडिंग बार बैलेंस बीडी ब्रॉड डाउन बाय बैलेंस बीडी के नाम से होते हैं ब्रॉड डाउन, है ना। ए की 50,000 है, बी की 30,000 है और सी की 20,000, पार्टनर्स के लिए यहाँ पर एडिशनल कैपिटल नहीं दे रखी है आपको अतिरिक्त पूंजी, इसलिए यही आपका बैलेंस 200 में कर देंगे इसको 50,000, 30,000 and 20,000 और मेज किया 50,000, 30,000 and 20,000।
अब यहां पर इससे माइनस करेंगे आपको कुछ नहीं है, लिख देंगे टू बैलेंस कैरी डाउन 50,000, ये बैलेंस वापस ऊपर दे दिया हमने 20,000 एंड 20,000, ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हुआ। अब आपको पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाते हैं। पार्टनर्स करेंट अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट ठीक, पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाया था है, तो यहां पर आपको पार्टनर्स कैपिटल नहीं लेना है, क्योंकि पार्टनर्स की कैपिटल आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ऑलरेडी पहले से ले ली है। उसके बाद भी फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, तो फिक्स्ड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट बनाया जाता है। अगर हम लिक्विडिटी की बात करें तो लिक्विडिटी में क्या होता है, इकट्ठा बनाया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लेते हैं और जो जो भी आपने एक्सपेंसेस किए, जो भी आपकी इनकम है वो आपको शो करना है। सबसे पहले हम लोग देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एक्सेप्शन अकाउंट हमने बनाया था, तो प्रॉफिट एंड लॉस एक्सेप्शन अकाउंट में आपको डेबिट साइड में आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिया था, जो भी आपका प्रॉफिट निकला था वो इस ये जो डेबिट साइड का टोटल आपका पार्टनर्स करेंट अकाउंट बना हुआ था वो क्रेडिट तरफ चले जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपने कैपिटल पर इंटरेस्ट निकाला था कितना निकाला था यहाँ पर 3,801,800 बी को और 1,200 सी को। उसके बाद आपने सैलरी सी को सैलरी मिली थी यहाँ पे देखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया आपकी बाय सैलरी, सैलरी किसको दी थी 5,000 रुपये, यहाँ पर सैलरी सी को भी दी थी, यहाँ 5,000 रुपये सी के स्टेट करेंगे, ए को कुछ नहीं देना बी को। इसके बाद में डेबिट साइड में आपको नेट प्रॉफिट हुआ था यहाँ पर बाय प्रॉफिट एंड लॉस एक्सेप्शन अकाउंट में आपने पार्टनर्स करेंट अकाउंट के नाम से लिखते, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से लिखते हैं, यहाँ पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस एक्सेप्शन अकाउंट के नाम से लिखना है, प्रॉफिट प्रॉफिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ठीक, कितना कितना प्रॉफिट हुआ था 25,500 ए को मिला था, 17,000 रुपये बी को और 8,500 सी को, ये क्रेडिट तरफ का सारे अकाउंट आ गए आपके पास में। अब डेबिट तरफ की बात करते हैं, यहाँ पर देखिए अपने प्रॉफिट एंड लॉस एक्सेप्शन अकाउंट में क्या होता है कि ड्राइंग नहीं लेते, बट अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो तो लेते हैं। यहाँ पर देखिए ड्राइंग है आपको दे देते हैं 6,000, 5,000 एंड 6,000, इस साइड की टू ड्राइंग्स 6,000, 5,000 एंड 6,000 ये ड्राइंग है आपके।
इसके अलावा आपने क्रेडिट में बीएस का गुड्स से निकाला जो उसने विड्रॉ किया था, बीएस है ना, बीएस का जो गुड्स से उन्होंने विड्रॉ किया था वो लिखा था लिखेंगे टू ड्राइंग्स दोनों तरफ का टोटल मैच करेंगे, दोनों तरफ का टोटल लगाएंगे और बैलेंस निकालेंगे। क्रेडिट साइड पे बड़ा है 25,28,500 17,18,800 और 13,14,700 दोनों तरफ सो गए 28,500 18,800 14,700 बैलेंस निकालते हैं, टू बैलेंस सी बैलेंस सी 28,500 में से 6,000 माइनस कर दिया 22,500 18,800 के पास में उसके साथ में 7,000 माइनस कर दिया 11,800 14,700 में 6,000 माइनस कर दिया 8,700 ये आपका एग्जाम्पल नंबर 5 था पार्टनर्स का, इसमें पार्टनर्स अकाउंट बनाना था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और प्रोविडेंट का स्टेटमेंट बनाना, किस तरीके से बनाया जाता था। एक क्वेश्चन में इसलिए आपको बताया था अपना ड्राइंग टू बुक्स था, उन्होंने ड्राइंग के विड्रॉ किया था बुक्स सर, इसीलिए क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किया। एक क्वेश्चन नंबर बता रहा हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 19 देखना, राग एंड निराकार पार्टनर्स इन ए फर्म दे विड्रो टू प्राइवेट इंडस 6,000 and 40,000 प्राइवेट इंडस का मतलब होता है या प्रश्न इसके लिए है ना केस निकाल लेते ड्राइंग कर लेते उसे ड्राइंग्स बोलते हैं या फिर ड्राइंग दे रखी है 60,000 and 40,000 आगे फ्रॉम दी फर्म इंटरेस्ट इज चार्जेबल एट द रेट 6% पर एनम, आपको उस पर इंटरेस्ट लगाना है 6% फॉर ड्राइंग्स, फाइंड आउट द अमाउंट आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्जेबल फॉर फ्रॉम राग एंड मीरा, आपको राग एंड मीरा की क्या निकालना है इन ड्राइंग पर इंटरेस्ट निकालना है ना, इंटरेस्ट निकालना है राग एंड मीरा की, आपको कैलकुलेट करना है, देखिए फाइंड आउट दिया है द अमाउंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्जेबल राग एंड मीरा,
केस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे हम। कैलकुलेशन आप कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट नंबर इंटरेस्ट ऑन रेट इंटरेस्ट ऑन ड्रग्स इसकी करना है एक राग है एंड विराम राग है इसकी ड्राइंग आपको निकालना है इंटरेस्ट ऑन ड्रग्स। आपको देखिए ड्राइंग दे रखी है इसकी 60,000 ड्राइंग दे रखी है और इसकी ड्राइंग दे रखी है 40,000 और आपको इस पर परसेंटेज दे रखा है 6%। कितना परसेंट दे रखा है 6% आपको दे रखा हुआ है दोनों का 6% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं एक रूल से भी जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन रूल्स क्या मैंने बताया था आपको इंटरेस्ट ऑन लोन इंटरेस्ट ऑन लोन अगर लोन की इंटरेस्ट नहीं दे रही हो परसेंटेज नहीं दे रही होती है तो आप क्या लगा दें ऊपर 6% ये इसका रूल्स है 6% 1932 के आधार पर पार्टनरशिप डीड में क्या होता है कि अगर इंटरेस्ट ड्राइंग की इंटरेस्ट पे परसेंटेज नहीं दे रही होती तो आप 6% लगा दें। यहाँ पर आपको देखिए ड्राइंग दे रखे हैं और उसकी परसेंटेज भी दे रखी है 6% आपको ऑलरेडी पहले से दे रखे हैं लेकिन पहले जितने का आपने क्वेश्चन किए आपको क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको क्या होती है निकाल के दे दी है ना। जैसे मान लो 100, 50, 250 ऐसा तो अपन क्या करते हैं डायरेक्ट अपन क्रेडिट साइड में अपने लॉस एक्सपेंस अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के पार्टनर सके उसमें अकाउंट में डाल देते हैं बट यहाँ पर आपको परसेंटेज दे रखी हुई है ना और आपको ड्राइंग दे रखे 60,000 उसका परसेंट दे रखे 6% आपको 40,000 उसकी दे रखे 6% लेकिन ऐसा क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आपको एवरेज बेस के आधार पर 6 मंथ का निकालना रहता है इसमें मंथ का 6 मंथ का 6/12 ठीक है यहाँ पर भी 6/12 एवरेज बेस 6 मंथ लेना है आपको जिस प्रकार आप लोन की परसेंटेज 6% लेते हैं यहाँ आपको 6 मंथ का लेना है ना। अब इसको सोल्व करेंगे 100 कैंसिल कर दिया 6 को 2 टाइम 2 CC कैंसिल किया 3 टाइम यहाँ पर क्या बचा है ना 600 × 3 मतलब 0 0 1800 आपको मिल जाएंगे। इसी प्रकार 100 कैंसिल किया 6 से 2 टाइम 2 से 3 टाइम ठीक है 400 बचा 400 × 3 किया 0 0 1000 मिल जाएंगे फिर आपको मिल जाएंगे और नीचे एक नोट करके लिख लीजिए आप नीचे नोट लिखिए वर्किंग नोट इंटरेस्ट वन नीचे आप नोट लिखेंगे नोट इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज नॉट गिवन सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट for 6 month 6 month 1
एवरेज एवरेज बेसिस, एवरेज बेस के लिए इसको एवरेज बेसिस, ठीक है। इस तरीके से आपको नोट डाल देना है ना, इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 19 था, ओके।